फ्रेंड, इस बार हमारे अंतरिम बजट को भी एक्सपर्ट्स और मीडिया के हमारे मित्रों की खूब प्रशंसा मिली। कई सारे एनालिस्ट ने भी इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये लोक लुभावन बजट नहीं है। तारीफ का एक कारण ये भी है, मैं उन्हें इस समीक्षा के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं उनके आकलन में कुछ और बातें भी जोड़ना चाहता हूं। कुछ मूल बातों की तरफ ध्यान आकर्षित, अगर आप हमारे बजट या ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग की चर्चा करेंगे तो आपको उसमें कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स नजर आए, और वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। ये बजट भी उसी का एक्सटेंशन। फ्रेंड, जब किसी को परखना हो तो उसे किसी मुश्किल या चुनौती के समय में ही परखा जाता। कोरोना महामारी और उसके बाद का पूरा कालखंड भी पूरे विश्व में सरकारों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनकर आया। किसी को कोई अंदाज नहीं था कि हेल्थ और इकोनॉमी की इस दोहरी चुनौती से निपटा कैसे जाए। इस दौरान भारत ने सबसे, वो दिन याद कीजिए आप, मैं लगातार टीवी पे आकर के देश के साथ संवाद करता था, और उस संकट की घड़ी में सीना तान करके देशवासियों के सामने हर पल खड़ा रहा था। और उस समय प्रारंभिक दिनों में मैंने कहा था, और मैंने जान बचाने को प्राथमिकता दी, और हमने कहा जान है तो जहान, आपको याद, हमने जीवन बचाने वाले, संसाधन जुटाने में, लोगों को जागरूक करने में पूरी शक्ति लगा दी। सरकार ने गरीबों के लिए राशन मुफ्त कर दिया, हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर फोकस किया, हमने ये भी सुनिश्चित किया कि तेजी से हर भारतीय तक ये वैक्सीन पहुंचे। जैसे ही इस अभियान ने गति पकड़ी, हमने कहा जान भी है जहान भी है। हमने स्वास्थ्य और आजीविका दोनों ही डिमांड को एड्रेस, सरकार ने महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे, हमने रेहड़ी पटरी वालों, छोटे उद्योगपतियों को आर्थिक मदद, हमने खेती किसानी में दिक्कत ना आए इसके लिए सारे उपाय, हमने आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लिया। मीडिया जगत के मेरे साथी उस समय के न्यूज पेपर्स निकाल के देख सकते, उस समय बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि मनी प्रिंट करो, नोट छापो ताकि डिमांड बढ़े और बिग बिजनेस को मदद। इंडस्ट्रियल हाउस वाले तो मुझे दबाव डाले, वो तो मैं समझ सकता हूँ, वो तो आज भी डालेंगे, लेकिन सारे नोबेल प्राइज विनर भी मुझे यही कहते थे, दो बस यही चल रहा था। दुनिया की अनेक सरकारों ने ये रास्ता अपनाया भी था, लेकिन इस कदम से और भले कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम देश की इकोनॉमी को हमारी मर्जी के हिसाब चला पाए, और महंगाई, उन लोगों का हाल ये था कि आज भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर, जो रास्ता उन्होंने चुना उसके साइड इफेक्ट आज भी है। हम पर भी दबाव लेने के बहुत प्रयास हुए, हमारे सामने भी ये सरल रास्ता था कि जो दुनिया कह रही है, जो दुनिया कर रही है, चलो हम भी उसमें बह चले, लेकिन हम जमीनी सच्चाइयों को जानते, हम समझते, हमने अनुभव के आधार पर अपने विवेक से कुछ निर्णय, और उसका जो नतीजा निकला जिसकी आज दुनिया सराहना कर, दुनिया उसका गौरवगान कर, हमारी जिन नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे थे वो हमारी नीतियां साबित हुई, और आज इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत स्थिति में है।